वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक और गेम खेलने जा रहा हूँ, लॉग ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइविंग सिमुलेटर। ठीक है, तो इस गेम के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इस गेम में मुझे लकड़ी को काट के, जो लकड़ी के लॉग होते हैं जो बड़े बड़े शेप में होते हैं, लकड़ी आपने कटती हुई देखी है, लकड़ी जब कटती है तो वो काफ़ी शेप मोटी भी होती है, पतली भी होती है और काफ़ी लंबी भी होती है। तो उसी का एक गेम है, मुझे लकड़ी को काट के ट्रक के ऊपर उसको चढ़ा के और उसको ट्रांसपोर्ट करना होगा और उसके बाद मुझे पैसा अर्न करना होगा। दिस इज़ ए बिजनेस, दिस इज़ ए प्योर बिजनेस। हम ये समझ के चलिए कि हम पूरी तरह से चारों ओर से बिजनेस से घिरे हुए हैं। ठीक है, तो ये सामने अभी आप एक मशीन देख रहे हो, इसको एक्सकेवेटर बोलते हैं। एक्सकेवेटर मशीन से हम कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जब कोई आदमी की बात आती है, किसी ह्यूमन बीइंग की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए, आदमी के लिए लकड़ी, अगर उसको लकड़ी काटनी है तो उसके लिए चेन शो मशीन दी गई है। ठीक है, जिसको आरा भी बोलते हैं, उससे भी बड़ी आसानी से काट सकते हैं। लेकिन अगर जो लकड़ी की मोटाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े बड़े बहुत मोटे पेड़ होते हैं, इसकी मोटाई बहुत ज़्यादा होती है और बहुत कम से कम 400 साल तक वो पेड़ जीवित रहते हैं। ठीक है, मतलब पेड़ का यही है, आप उसमें प्रॉपर पानी देते रहिए और उसको सही एनवायरनमेंट में रखिए, आपका पेड़ आपको फल फूल देता रहेगा। ठीक है, तो चलिए पहले इस राउंड को कंप्लीट करता हूँ। तो मुझे इस एक्सकेवेटर को इस ट्रक के ऊपर लोड करके इसको पार्क करना होगा। ये देखिए, ये एक्सकेवेटर अब इसके ऊपर चढ़ जाएगी। ये देखो, बड़ी आसानी से चढ़ जाएगी। थोड़ा पीछे ले लेता हूँ, बिकॉज एकदम से चढ़ेगी ना, फोर्स लगता है। फाइनली अपनी एक्सकेवेटर मशीन इस ट्रक के ऊपर लोड हो गई है, पार्क हो गई है। तो मेरा लेवल 1 कंप्लीट हो गया है। दोबारा इस राउंड को रिपीट करना चाहूँगा, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ उस गेम के बारे में। इस गेम का नाम है लॉग ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइविंग। ठीक है, इस गेम में लकड़ी को लोड करके ट्रांसपोर्ट करूँगा और उनसे पैसा अर्न करूँगा। तो पहले राउंड में मैंने ऐसे ही खेल दिया था, लेकिन मैंने कुछ डिस्क्राइब नहीं किया था, तो मैं इस राउंड को दोबारा से रिपीट करता हूँ। ठीक है, रिपीट करना ज़रूरी है, आपको समझना ज़रूरी है कि गेम के अंदर क्या चल रहा, क्या स्टोरी चल रही है। तो आप देखते जाइए और एंजॉय भी करते जाइए। लोग ट्रांसपोर्टर ट्रक ड्राइविंग, ये देख सकते हैं इस गेम का नाम है। तो कंट्रोल सिलेक्शन में मैं स्टीयरिंग मोड चेंज कर देता हूँ। तो ये देखिए, गेम अपनी स्टार्ट हो गई है। जॉन, वी हैव गोट ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो जॉन नाम कोई बंदा है, उनके पास एक कॉन्ट्रैक्ट आ गया। ऑल दीज ट्रीज नीड्स टू बी कट डाउन फॉर द शॉपिंग मॉल। ठीक है, तो आप सभी आप देख सकते हो कि जितने भी ये पेड़ देख रहे हैं, उनको काट के इनको शॉपिंग मॉल के लिए यूज़ किया जाएगा। बट आवर रिसोर्सेज ऑन द साइट आर नॉट एनफ। ठीक है, तो टाइम की कमी के कारण अभी काम फटाफट से करना होगा। ठीक है, वो शॉपिंग मॉल में आपको पता है बहुत कम से कम 400-500 फिर 1000 करोड़ का पूरा उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है, पैसा लगता है उस पर। तो इतनी बड़ी चीज़ को बनाने के लिए काफ़ी साल लगते हैं, मेहनत भी लगती है, काफ़ी मशीन्स लगती है और जो लेबर हैं वो भी लगते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट द इंजन, दिस इज़ द एक्सकेवेटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू, तो ये दोबारा से वही मशीन आ गया, इसको मैं दोबारा से नहीं खेलूँगा। तो मैंने थोड़ा सा गेम को डिस्क्राइब कर दिया है, तो मैं लेवल नंबर 2 से स्टार्ट करूँगा। लेवल नंबर 1 में यही बताएगा कि जो नाम का बंदा है, उसके पास एक कॉन्ट्रैक्ट आया है लकड़ी काट के उसको ट्रांसपोर्ट करने का। ठीक है, तो लेवल नंबर 2 पे चलते हैं अभी।
लेवल नंबर टू हैज बीन स्टार्टेड। तो ये देखिए दोबारा से लेवल नंबर टू देखिए, ये ट्रक यहाँ पे एक्सकेवेटर मशीन को लोड करके लेके जा रहा है। जॉन योर क्रू इज वेटिंग फॉर ट्री कटिंग मशीन। ठीक है, तो पेड़ काटने की मशीन का भी यहाँ पे वेट हो रहा है। ट्राई टू रीच दिस साइड बिफोर द सन डाउन, तो सूर्य अस्त होने से पहले इस एक्सकेवेटर मशीन को डेस्टिनेशन साइट पे पहुँचना होगा, अदरवाइज मिशन फेल हो जाए। फॉलो द चेक पॉइंट टू इजीली नेविगेट। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा कि मुझे ये जो ग्रीन कलर के आपको एरो दिख रहे हैं ना, इनको फॉलो करते हुए अपनी मंजिल तक पहुँच जाना होगा। और जहाँ पे आपको येलो कलर का मार्क दिख रहा है, पार्किंग मार्क, वहाँ पे जाके मुझे इसको स्टॉप करना होगा, पार्क करना होगा। ठीक है, पार्क द ट्रक इन एरो पॉइंटेड रीजन। ठीक है, तो चलो मुझे ट्रक को पार्क करना होगा। वेरी सिंपल, वेरी इजी टू प्ले दिस गेम। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ट्रक की स्पीड पेडल दबा दिया है और बिल्कुल सीधे जाना, कहीं भी नहीं मुड़ना है मुझे। ये देखो, फाइनली ट्रक अपनी जगह पे आ गया है, इसके साथ में एक्सकेवेटर मशीन भी आ गई है। ये एक्सकेवेटर मशीन जो आप देख रहे हो, इसके सामने जो बकेट है ना, उसको आप चेंज करके कोई भी चीज़ उसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए कोई गड्ढा खोदना है, कोई नाली खोदनी है, कोई कुआं खोदना है, या जब कोई घर बनता है उसमें भी एक्सकेवेटर मशीन का यूज़ किया जाता है। कोई जो स्टोन चिप्स होती है, कोई सैंड हो गए, उसको उठाने के लिए ट्रक में डंप करने के लिए भी उस बकेट का यूज़ किया जाता है। लेकिन एक्सकेवेटर मशीन इतनी तक नहीं होती। आपको पता है कि जब स्टोन माइन को जो माइनिंग की जाती है, तो उसमें भी जो बकेट होती है उसको हटा के उसके सामने एक ड्रिल मशीन लगा दी जाती है, तो उसका भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। उसका यूज़ ये होता है कि उसको यूज़ करके हम बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ सकते हैं, वो क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी लेवल नंबर थ्री पे आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए तीसरा लेवल स्टार्ट हो गया है। डियर यूजर्स, कट थ्री ट्रीज विद कटर अटैच टू द बकेट ऑफ दिस एक्सकेवेटर। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे अभी तीन पेड़ काटने होंगे वन बाय वन करके। यहाँ पे आपको पार्किंग जो येलो कलर में एरो दिख रही है, जो सिंबल दिख रहा है, यहाँ पे मुझे एक्सकेवेटर मशीन को पार्क करना है। उसके बाद मशीन अपने आप में इसका ब्लेड स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग आरा बोलते हैं। उसके आगे कटर लगा हुआ है, ब्लेड लगा हुआ है, उससे पेड़ कटेगा, कुछ ही सेकेंड में पेड़ कट जाता है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट द इंजन, ये देखो। ठीक है, तो चलो ये देखो आगे बढ़ गई है ये एक्सकेवेटर मशीन, और मैं इसको यहाँ पे रोक दूँगा, उसके बाद अपने काम में लग जाएगी। ये देखो, इसके सामने एक ब्लेड लगा हुआ जो कि घूम रहा है। ये देखो, देखा ना, मात्र दो सेकंड पूरे बड़े से बड़े पेड़ को काट दी थी ये ब्लेड। आपका ब्लेड बहुत शार्प होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज ब्लेड टूट भी सकता है। ये देखो एक पेड़ और आगे, इसको मैं काट देता हूँ। ये देखो इसमें कम से कम 5 से 6 सेकंड लगे हैं। ठीक है, तो अभी आखिरी पेड़ रह गया, उसको मैं काट देता हूँ। ये पार्क किया मैंने, ये देखो मात्र 6 सेकंड पूरे के पूरे तीन पेड़ों को यहाँ पे इस मशीन ने काट दिया। तो मैं इस मशीन को भी यहाँ पे आसानी से पार्क कर देता हूँ, उसके बाद मेरा तीसरा लेवल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो तीसरा लेवल कंप्लीट होने के साथ साथ मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर कर देना चाहता हूँ। वो क्या,
कि ये एक बिजनेस है। मान लीजिए कि आप इस बिजनेस को करना चाहते हो, लेकिन किसी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको एक योजना बनानी पड़ती है कि उसके लिए किस किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। कोई भी बिजनेस उठा के देख लो, उसके लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, अगर आप लाइसेंस के बिना काम करते हो, तो आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, आपके परिवार को चुकानी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि और उसके साथ मैं चीज़ और जोड़ता हूँ, ठीक है। मान लो कि आप 2 करोड़ का बिजनेस करना चाहते हो लकड़ी का, आप करिए, इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल होता है। लेकिन आपको एक मार्केट भी पता होनी चाहिए कि आपको अपनी चीज़ को कहाँ पे सेल करना होगा, आपके पास बायर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास बायर नहीं है, अगर आप उस चीज़ को बेचना चाहते हो, तो ये बहुत ही गलत चीज़ हो जाती है, इसका बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ता है आपके ऊपर, आपके बिजनेस पे पड़ता है, आपकी कंपनी पे पड़ता है, आपकी कंपनी की रेटिंग डाउन चली जाती है, ठीक है। तो चलिए भी लेवल नंबर 4 पे बढ़ते हैं आगे। ये देखिए दोबारा से 4th लेवल स्टार्ट हो गया है। लोड द वुड लॉक्स ऑन टू द ट्रक। तो ये देख सकते हो कि सामने कुछ लकड़ी पड़ी हुई है, मुझे उसको उठा के इस ट्रक के अंदर डंप करना होगा, उसके बाद मेरी जॉब कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके सामने अब देख रहे हो ना, अब जैसे एक हुक शेप की एक बकेट लगाई हुई, उसकी सहायता से मैं जो भी ये नीचे लकड़ी पड़ी हुई ना, इनको उठा के इस ट्रक के अंदर डंप कर दूंगा। जो भी ट्रक देख रहे हो उसके साथ में डंडे से देख रहे हो नीले कलर के, ये किस काम आते हैं, ये लकड़ी को सपोर्ट करते हैं, मतलब कि लकड़ी को हिलने नहीं देते, ठीक है। तो चलो गेम को स्टार्ट करते हैं। इंजन स्टार्ट। ये देखो, तो मैं अभी इसको नीचे लेके जाता हूँ, मैं उसको उठा लिया है। मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, ये मशीन जो देख रहे हो ना एक्सकेवेटर, ये 360 डिग्री घूम सकती है, लेकिन इसको रोड पे चलाने के लिए कारगर नहीं होती। ये एक हैवी मशीन होती है, तो हैवी मशीन का जो काम होता है ना, वो माइंस के अंदर होता है, जहाँ पे गाड़ी आसानी से पहुँच नहीं सकती। तो ये देखो, तो मैंने ट्रक के ऊपर डंप कर दिया है इन लकड़ियों को, ये देखो। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, डियर यूजर टेक द ट्रेलर टू द मार्केट, ठीक है। तो मुझे बाजार मार्केट में बेचने के लिए लकड़ियों को लेके जाना होगा। तो चलिए लेट गेट स्टार्टेड, तो स्टार्ट द इंजन एंड लेट्स मूव। टोटल 11 लकड़ियां हैं, ये लकड़ियां ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो मैंने यहां पे अपने ट्रक को रोक दिया है। हे कॉनवे, रोड्स आर ब्लॉक्ड हियर, कम हियर, हेल्प मी आउट। तो यहां पे अभी रोड टूटी है। स्मिथ, यू हैव टू बी देयर ऑन टाइम, आई एम सेंडिंग, गो देयर एंड हेल्प हिम बाय पुशिंग बैर अवे फ्रॉम रोड। तो इसमें मैंने देखा काफी, जो 4th लेवल था मेरा काफी इजी था, उसमें मैंने जो लकड़ी, जो उसको लोग बोलते हैं, लकड़ी के लट्ठे भी बोल सकते हो आप, ये टिम्बर वुड भी बोल सकते हो, टिम्बर लोग भी बोल सकते हो। टिम्बर का मतलब होता है लकड़ी को काट के उसे अलग अलग शेप और डिज़ाइन में उसको बाजार मार्केट में भेजा जाता, बेचा जाता है, ठीक है। टिम्बर का मतलब मान लीजिए कोई राउंड शेप में लकड़ी आती है, सबसे पहले उसके पील, जो उसका छिलका होता है, उसको काटा जाता है, उसके बाद उसका जो अंदर का, जो अंदर का मोटा तना होता है, उसी तने को फर्नीचर के तौर पर यूज किया जाता है। आई वॉन्ट टू एड वन मोर लाइन, ठीक है। वो क्या, ये आपको पता है कि इंडिया की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट कौन सी है, वो है कीर्ति नगर, अपने दिल्ली में है। तो जो दिल्ली में रहते हैं उनको सब पता है कि आप वहाँ पे जो जो लकड़ी है ना, जो वुड है, जो फर्नीचर है, उसकी तारीफ विदेशों तक है, मतलब फॉरनर लोग यहाँ पे सामान खरीदने आते हैं, क्योंकि वहाँ पे
जो लकड़ी का यूज़ किया जाता है वो एक सांगवान की लकड़ी, और सांगवान की लकड़ी अपने आप में बहुत ही मजबूत लकड़ी होती है, ठीक है, वो उसमें कोई भी जंग नहीं लगता है। ज़रूरत यह है कि आपको उस लकड़ी को समय समय पे उस पर आप पेंटिंग करते रहिए, उस पर आप पॉलिश करिए, क्योंकि उसमें कोई भी कीड़ा या फिर डीमक वगैरह नहीं लगता है और वो सालों साल चलती है। आप सोच के देखिए कि हम जैसे घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, ऑफिस बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनाते हैं, तो एक चीज़ मेरे सोच के बताइए कि कहाँ लकड़ी का यूज़ नहीं होता। हर जगह यूज़ होता है लकड़ी का, ठीक है। लकड़ी अलग शेप और साइज में हो सकती है, बट अगर ये ठीक है कि मैं इसमें गलती मानता हूँ, अगर लकड़ी पेड़ काट के अगर हमें लकड़ी मिलती है तो पेड़ काटने के बाद हमें पेड़ लगाना भी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी 3 पेड़ काट दिए ये, ठीक है, 3 पेड़ काटने के बजाय मुझे अभी इस यहाँ पे कम से कम 10 पेड़ और लगाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि पेड़ ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, ठीक है, ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्योंकि अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। आपने कोविड के टाइम में देख लिया था कि ऑक्सीजन की कितनी ज़्यादा आवश्यकता थी, लोग बिना सांस के बिना ऑक्सीजन के मर रहे थे। तो कोविड ने भी लोगों को एक जीने का तरीका सिखा दिया, अगर आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे तो प्रकृति आपको बिल्कुल नहीं बख्शेगी। जो आप प्रकृति को दोगे वापस प्रकृति आपको वही चीज़ देगी। वो कहते हैं ना कि जो बीज बोया है वही तो उगेगा। आप सोच के देखिए, आपका एक खेत है, खेत में आप टमाटर के बीज डाल देते हैं। अब टमाटर का बीज डाला है तो ये तो नहीं है ना कि टमाटर के बीज सेब बन जाएंगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये गेम पसंद आई होगी, गेम काफ़ी अच्छा है, वेरी इजी, वेरी गुड गेम, ठीक है। मैं पहली बार खेल रहा था तो मैं बताऊंगा, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने काफ़ी चीज़ अपनी आंखों से देखी है और आंखों देखी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। कोई भी कॉपी, नोटबुक या फिर गूगल का इस्तेमाल नहीं करता। हाँ, प्ले स्टोर पे मैं गेम ढूंढता हूँ कि बेहतर से बेहतर गेम आप लोगों के लिए लेके आऊँ और आपके साथ शेयर करूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो। तो इस वीडियो के मैं आपसे 50 व्यूज़ मांगता हूँ, ठीक है। 50 व्यूज़ कोई ज़्यादा नहीं होते, बहुत थोड़े व्यूज़ होते हैं। कोई भी वीडियो आप उठा के देख लीजिए, उसमें मेहनत छुपी होती है। वीडियो बनाना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है, ठीक है। आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता, आपको अपना इम्पोर्टेंट टाइम छोड़ के आपको यूट्यूब पे आना पड़ता, ठीक है। कि यूट्यूब एक पैसा कमाने का एक जरिया है, लेकिन आपकी रियल ज़िंदगी वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। तो ठीक है गाइस, तो मैंने इस गेम के माध्यम से आपको बताया कि कैसे इस गेम के बारे में। सबसे पहले जो पहला लेवल था वो तो बिल्कुल सिंपल था, उसमें कोई जॉन नाम का बंदा था, उसे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था लकड़ी का, ठीक है, वो भी शॉपिंग मॉल के लिए। कोई भी शॉपिंग मॉल, छोटा मॉल हो सकता है, बड़ा मॉल हो सकता है, ठीक है। तो शॉपिंग मॉल कम से कम ये सोच के चलिए, अगर छोटा मॉल भी होगा ना तो कम से कम 200 से 300 करोड़ का उसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट टारगेट होता है। 300 करोड़ का मॉल आपको एक लिमिटेड टाइम में कंप्लीट करके देना होता है, जो भी जिसका मॉल है, जिसने उसको खरीद, जिसने पैसा लगाया है, ठीक है। तो अगर सपोज़ आप ये मान के चले कोई छोटा मॉल भी है ना 300 करोड़ का, उसमें जो लेबर लगेंगे उसके, मतलब लेबर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसमें कितनी मशीनें लगें, कितनी लकड़ी लगे, कितना फर्नीचर लगेगा, इस बात पर भी निर्भर करता है। क्योंकि आपको पता है कोई भी ऐसा घर, कोई भी ऐसी जगह नहीं होती जहाँ पे लकड़ी का यूज़ नहीं किया जाता। आप अपने बेड देख लीजिए, फर्नीचर देख, टेबल देख लीजिए, यहाँ तक कि बैट देख लीजिए, वो भी लकड़ी का बनता है, ठीक है। तो चलिए गाइस, आई एम गोइंग टू क्वाइट दिस वीडियो। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।